राजस्थान में गुटबाजी इस कदर हावी है कि अभी एक सियासी संकट शांति हुआ था कि अब एक और संकट सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार ये वर्चस्व की जंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच दिखाई दे सकती है। यानी कहा जा सकता है कि राजस्थान भाजपा में इन दिनों कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। भाजपा की घर की गुटबाजी पूरी तरह सड़कों पर है, जहां पिछले दिनों वसुंधरा राजे समर्थक मंच की घोषणा ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया, तो अब सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा भी सामने आ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक लेटर हेड वायरल हो रहा है। यह लेटर हेड सतीश पूनिया समर्थक मंच का है। इस मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा को बताया गया है। इतना ही नहीं, सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा में दो प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, दो प्रदेश प्रभारी, एक प्रदेश सचिव और एक मीडिया प्रभारी है। प्रदेश संयोजक के रूप में विनीता चतुर्वेदी का नाम सामने आया है। इस पत्र में बाकायदा क्रमांक और दिनांक भी दिए गए हैं। यह पत्र 12 नवंबर 2020 का बताया गया है। इस वायरल पत्र में सतीश पूनिया की तस्वीर भी लगी हुई है। इसमें सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य बताया है। आलम यह हो गया है कि सतीश पूनिया को मीडिया के सामने आकर सफाई तक पेश करनी पड़ गई। पूनिया ने कहा कि हम भाजपा में एक बड़े बैनर के नीचे काम करते हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं कमल का चुनाव चिन्ह पर्याप्त है। मुझे किसी समर्थक मंच की जरूरत नहीं है। यह सोशल मीडिया की शरारत है। मैं इस तरीके के समर्थक मंच के पक्ष में नहीं हूं और सिरे से इसे खारिज करता हूं। राजनीति में काम करते वक्त कई बार कई अजूबे होते हैं। मुझे रात को बहुत देरी से एक सोशल मीडिया का बैनर देखा, जिसमें मेरे नाम से किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से कोई समर्थक मोर्चा बनाया। कौन लोग हैं, न तो परिचित हैं न आइडेंटिफाइड हैं। मैं इस तरीके के मोर्चों के पक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि हम लोग पार्टी में एक बड़े बैनर के नीचे काम करते हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कमल का चुनाव चिन्ह अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए मुझे किसी तरीके के समर्थक मंच की आवश्यकता नहीं है। जो समर्थक मोर्चे के नाम से जो बैनर बनाया उसकी मैं पड़ताल करवा रहा हूं, लेकिन ये सोशल मीडिया की शरारत है, इसलिए मैं अपने तौर पर इस तरीके के समर्थक मंच के पक्ष में नहीं और सिरे से मैं खारिज करता हूं। गौरतलब है कि पिछले दिनों वसुंधरा राजे समर्थक मंच भी सामने आया था, जिसके 25 जिलों में कार्यकारिणी भी गठित कर जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा सामने आने के बाद भाजपा में जबरदस्त चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यानी अब भाजपा दो खेमों में टूटती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी दिनों में क्या तस्वीर तैयार होती है, ये देखना और भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।